गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में। जैसे कि पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी किस चीज़ के बारे में, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब हमने समझा था गवर्नमेंट कितने प्रकार की होती है। गवर्नमेंट होती है दो प्रकार की, ठीक, एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, एकात्मक सरकार, यानी कि जिसमें संपूर्ण शक्तियाँ एक ही पार्टी में सीमित होती हैं, एक ही सत्ता में सीमित होती है, एक ही शासन में सीमित होती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमने यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या क्या पढ़ लिया था, डिफिनेशन हमने पढ़ लिए थे यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है जिसमें सत्ता की साधन एक ही शब्द में सीमित होती है, यानी शासन की शक्ति, शासन का पावर, कंट्रोल सिर्फ एक ही पार्टी में सीमित होती है, एक सत्ता में सीमित होती है। ठीक है, हमने डिफिनेशन समझ लिया था, आज हम समझेंगे क्या यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, एकात्मक सरकार के कौन कौन से गुण होते हैं, ठीक है, तो एकात्मक सरकार के कौन कौन से गुण होते हैं हम खुद समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है, यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसा होता है, वह उसमें केवल किसमें सत्ता की साधन केवल केंद्र तक ही सीमित होती है, यानी यूनिटी फॉर्म एकात्मक शासन में केवल एक ही केंद्र केंद्रीय व्यवस्था होती है। ठीक, यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली वन सेंटर। सबसे पहली व्यवस्था क्या है कि एकात्मक सरकार में, ठीक, एकात्मक सरकार में शासन की व्यवस्था केवल एक केंद्र में निहित होती है। कहने का मतलब क्या होता है कि एकात्मक सरकार क्या होती है, सिर्फ उसमें एक ही केंद्र होता है, यानी एक ही सरकार होती है, वही पूरे राज्य को नियंत्रित करेगी, निर्देशित करेगी, जैसे भी आवश्यकताएं होंगी उस सबकी पूर्ति करेगी। कहने का मतलब होता है जब कोई एकात्मक सरकार बनाई जाती है उसमें क्या होता है, उसकी जब कोई सरकार बनाई जाती है उसमें कार्यपालिका होते हैं, विधायिका होती है और न्यायपालिका होती है। ठीक, तो जैसे आप भारत में देखेंगे, भारत में आपको कार्यपालिका, आपको विधायिका, आपको दो जगह मिल जाएगी, एक संसद की विधायपालिका और एक विधानमंडल जो राज्य का होता है। इसी प्रकार से कार्यपालिका भी आपको मिल जाएगी, इसमें प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं और कौन होता है, मुख्यमंत्री होते हैं राज्यों के लिए। ठीक है, आपको यहाँ पर दो चीज़ें समझ में आएंगी, एक और क्या होता है, एक सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है। ठीक, लेकिन क्या होता है, यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में केवल एक ही होता है, यानी कि राज्य का अस्तित्व नहीं होता है, तो इस प्रकार से दूसरी लेजिस्लेटिव नहीं होती, दूसरी कार्यपालिका नहीं होती। ठीक है, दूसरा क्या है, पहला बहुत समझ में मिनट क्या है, दूसरी क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सॉवरेन केंद्र सत्ता किसमें होती है, कहते हैं एकात्मक सरकार में केंद्रीय सत्ता, ठीक है, सर्वोच्च होती है, सुप्रीम पावर सेंट्रल में सुप्रीम पावर। कहने का मतलब, अब पहला क्या होता है, पहला होता है ओनली वन सेंटर पावर, केंद्र में ही एक ही सत्ता होती है, और सुप्रीम पावर ऑफ द सेंटर, यानी कि सभी शक्तियां जिसमें होती हैं, यानी कानून बनाने की शक्ति, कानून को खराब करने की शक्ति या नष्ट करने की शक्ति, लैप करने की शक्ति सिर्फ केंद्र के हाथ में होती है। पहला क्या होता है, दूसरा क्या है, एकात्मक सरकार में सर्वोच्च, ठीक है, केंद्र सर्वोच्च सत्ता के रूप में कार्य करते हैं। ठीक, बात समझ में, इसके बारे में समझते हैं, यानी कि सभी शक्तियां किसमें होंगी, पूरी की पूरी केंद्र में नियुक्त होंगी, केंद्र ही सभी शक्तियों को संचालन करेगा, केंद्र ही सभी शक्तियों को बताएगा कौन सी चीजें क्या 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 करनी है। ठीक है, और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। ठीक, जैसे अब ये समझते हैं यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक है, जो लोकल बॉडीज होती हैं उनके वास्तव में उनके पास कोई अधिकार नहीं होता है, लोकल बॉडी के पास कोई अधिकार नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ और किसके किसके पास होती है, सेंटर के पास होती है। ठीक है, बात समझ में आई, बात समझ में आई, यानी कि जैसे आपको यहाँ पे प्रधान देखते होंगे, यहाँ पे ग्राम पंचायत देखते होंगे, ठीक, यहाँ पे आप क्या देखेंगे, आप यहाँ पे विधायक को देखेंगे, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, बात समझ में आई,
अब क्या एकात्मक सरकार में क्या होता है, एकात्मक सरकार में क्या होता है, वहां पर केंद्र और राज्यों के बीच में कोई, जबकि राज्य होते ही नहीं है तो वहां पर शक्तियों का बंटवारा ही नहीं हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब यह है, जैसे आप भारत के भारतीय संविधान में अनुच्छेद सॉरी भाग 11 पढ़ेगा, अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक के जो प्रावधान दिए गए हैं उसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों को बंटवारा दिया गया है। यानी केंद्र को भी अच्छी खास केंद्र अच्छी खास शक्तियाँ दी गई, राज्य को भी ठीक ठाक शक्तियाँ दी गई। लेकिन क्या होता है, एकात्मक सरकार में वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन शक्ति में कोई बंटवारा ही नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर राज्य होते नहीं, राज्य का अस्तित्व ही नहीं होता है, उन्हें कोई शक्ति देने का प्रश्न ही नहीं उठता है। ठीक है, बात समझ में आई, बात समझ में आई नहीं? ठीक। और यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होते हैं, गवर्नमेंट में जो सभी जितने होंगे यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो यूनिट्स होंगी वो एजेंट की तरह काम करते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं सरकार जिन चलाई जाती है, राज्य की सरकार देखें कोई भी सरकार चलाई जाती है, इसके तमाम विभाग होते हैं। ठीक, तमाम विभाग होते हैं जो सरकार को चलाने में पूरा सहयोग करते हैं। अब यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होते हैं, जो विभाग सरकार को चलाने में काम करेंगे वो कैसे माने जाते हैं, यूनिटी फॉर्म यूनिटी यूनिट जिनमें काम करेंगे, जो इकाइयाँ काम करेंगी वहाँ पर कैसा माना जाएगा, वो सरकार के केवल एजेंट के रूप में काम करेंगे। कैसे माना जाएगा, जैसे वो सरकार की एजेंट हों। ठीक है, केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने इच्छा के अनुसार, ठीक है, शासन की सुविधा के लिए जो ये पावर दी जाती है यूनिटों को, ठीक है, वो एक एजेंट की तरह काम करेंगे। जब चाहे उनको पावर दी जाए, जैसे मान लीजिए किसी काम करवाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे देंगे, उन पर काम करवा के फिर उस चीज की पावर ले लेंगे। ठीक, बात समझ में। और एक कहने का मतलब, दीज यूनिट हैज नॉट इंडिपेंडेंट, जो यूनिट्स होती हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं। ठीक, बस समझते हैं, केंद्र सरकार में जैसे होते हैं एकात्मक सत्ता, जहाँ केवल केंद्र सरकार ही काम करती है, वहाँ राज्य का अस्तित्व नहीं होता, राज्य कोई अस्तित्व नहीं होता, उनका कोई कार्य प्रणाली नहीं है। ठीक है, सेंट्रल पावर केवल एक ही सत्ता काम करेगी, वो केंद्र सरकार को कलेक्टर माने जाएंगे, गुण माने जाते हैं, सुप्रीम पावर ऑफ द सेंटर, सभी शक्तियाँ सुप्रीम में ही, यानी कि एक सरकार जो केंद्र को चलाएगी, राज्य को चलाएगी, सभी देश को जो चलाएगी उसी सारी शक्तियाँ होती है। नो पावर डिस्ट्रीब्यूशन, केंद्र और राज्य जो राज्य का अस्तित्व नहीं होता है, उनके बीच में शक्तियों को बंटवारा किया ही नहीं जा सकता है। यूनिट गवर्नमेंट यूनिट जो सरकारी कामों के लिए जब कोई शक्तियाँ दी जाए किसी डिपार्टमेंट को काम करने के लिए, वो गवर्नमेंट के एजेंट के तौर पर काम करेंगे, और जिस शक्तियाँ जो यूनिट काम करने की शक्तियाँ दी गई है वो पूरी तरह से कभी स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठीक, बात समझ में आई, हमें समझा। अब हम देखते हैं टीमें, अवगुण हम समझते हैं कौन कौन से इनके अवगुण हो सकते हैं। ठीक है, ठीक, ठीक, ये क्या क्या होते हैं, ये मेरिट्स होते हैं। और अभी और सॉरी अभी और इसके लिए कुछ मेरिट्स हैं। ठीक, मेरिट में हमने क्या क्या देखा था, मेरिट देखा था। अब एक और चीज आती है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी का मतलब क्या होता है, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम किए जाएंगे, जितने प्रशासनिक काम किए जाएंगे, उनमें एकरूपता होती है। जैसे अब भारत में अपेक्षा कर देखते हैं, यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर होने का मतलब यहाँ पे जो शासन चलाया जाता है, ठीक है, यहाँ पर राज्य की सेवाओं के लिए भर्ती की जाती है, राज्य भी अपने अधिकारियों की भर्ती कर सकता है। यूपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग भी है, ठीक है, नियुक्ति भी करता है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, एकात्मक सरकार में पावर केवल सत्ता केंद्र में नियत होती है, वो राज्यों को ऐसी पावर नहीं दी है, वहाँ पर यूनिटी पूरी तरह से होती है। ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में, इकोनॉमिक पॉलिसी
ठीक, इकोनॉमिक पॉलिसी, सिंगल सिटीजनशिप, और कौन से, प्रमोट एंड क्विक डिसीजन, ठीक। अब एक ही चीज को समझते हैं, कौन कौन से उसके और मेरिट्स। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हमने समझा, केंद्र में केवल एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है, इंडियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वही सारा सब चीज कंट्रोल होता है। इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने में बहुत आसान होता है, क्योंकि जब आर्थिक पैसा किसको कहाँ कितना देना है एक ही सत्ता के पास रहेगा, तो उसको बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं उसको आसानी से पूरा कर सकते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर में केंद्र और राज्यों के बीच में लेकिन काफी तनातनी की जानी होती है, जैसे कि आपने देखा होगा यूनिटी फॉर्म ऑफ जितनी भी सरकारें हैं, या इन्वेस्टर में चला जाएं, आप ब्रिटेन में चला जाएं, फ्रांस में चले जाएं, यहाँ पर आप देखेंगे जीएसटी बहुत पहले से पारित हो गया, 1954 से ही काम कर रहा है, क्योंकि वहाँ राज्य कोई सत्ता नहीं है, केंद्र राज्य के बीच में कोई खींचातनी नहीं होती, इसलिए आर्थिक बंटवारा अच्छे से हो जाता है। लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर में अमेरिका में आज तक जीएसटी हो ही नहीं पाया, कभी हो भी नहीं पाएगा अमेरिका में, लेकिन भारत में किसी तरह से राज्य को एक लाकर उसे किसी तरह से पारित करवा दिया गया। यानी एक एकल नागरिकता दी जाती है, सिंगल, जब राज्य का अस्तित्व नहीं होगा, केवल सिटीजनशिप एक पे दी जाएगी, किसको दी जाएगी, वो केंद्र के रूप में दी जाएगी, ठीक है, केंद्र यही उन्हें नागरिक माना है। जब सत्ता एक होगी, ठीक है, यानी कि सब एक ही व्यक्ति, यानी एक ही सत्ता राज्य पे सब उसको चलाएगी, शासन करेगी, उसको डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में बहुत आसानी होगी, बहुत जल्दी डिसीजन ले सकते हैं और बेहतर तरीके से डिसीजन ले सकते हैं। जब पावर और शक्ति बटी हुई होती है तो उसमें डिसीजन लेने में बड़ी दिक्कत आती है। और क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनलाइजेशन, जब केंद्रीय सत्ता एक हाथ में होती है तो उसमें सत्ता क्या के अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने में बहुत आसानी होती है। ऐसा किस लिए होता है, आपने देखा होगा जब भारत ने किस पे पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो राज्य में ही बहुत ऐसे राज्य थे जिन्होंने सपोर्ट मांगना शुरू कर दिया था, कहीं ना कहीं वह अंतर्राष्ट्रीय संबंध में वो गिरावट लाने का प्रयास किया, हो सकता है। जब सत्ता एक होती है, यूनिटी फॉर्म होती है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी बेहतर तरीके से स्थापित हो सकते हैं। ठीक, बस इतनी हो गई, अब हम इसको देखते हैं डिमेरिट्स। यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कौन कौन से डिमेरिट हो सकते हैं, सबसे पहले क्या होता है, एब्सेंट ऑफ द लोकल इंडिपेंडेंस, ठीक, एब्सेंट ऑफ लोकल इंडिपेंडेंस, यानी कि जब केवल सत्ता केंद्र के हाथ में होगी, केंद्र मान लीजिए कोई एक राज्य है, ठीक, जब कोई मान लीजिए एक राज्य है जो केंद्र को यहीं से चलाता है, यहाँ पे जो राज्य होंगे, यहाँ पे जो व्यक्ति होंगे, यहाँ पे काउंटीज होंगे, जो भी चीजें होगी वहाँ पे लोकल बॉडीज को एक डिपेंडेंस नहीं प्राप्त होती, वो अपने डिसीजन को लेने में बेहतर नहीं हो पा सकते हैं, जो केंद्र कह देगा उन्हें हर हाल में ही यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो केंद्रीय सत्ता होगी, सेंट्रल पावर जो कह देगी उसे हर हाल में उन्हें मानना पड़ेगा। प्रॉब्लम ऑफ द डेमोक्रेसी, यानी कि जब केंद्र एक ही होगा, वो अपने ही हिसाब से निर्णय लेगा, अपने ही उसके सत्य सब सारी उसी के पास होंगे, तो कहीं ना कहीं स्थान आएगा जन्म हो जाता है, डिक्टेटरशिप ऑटोक्रेसी का जन्म होता है, जिससे अराजकता फैलने का बहुत सारे चांस होते हैं। और क्या होता है, उसमें लोकतंत्र को कहीं ना कहीं वो लोकतंत्र को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खतरा होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। इसीलिए देखा जाता है जहाँ पर तानाशाही होती है, जहाँ पर एकात्मक सरकार होती है, वहाँ पर बहुत सारे हमेशा आंदोलन होते रहते हैं, तमाम तरह के ऐसी चीजें होती रहती हैं। ठीक, और क्या देखते हैं इसके,
अगला क्या है, नागरिकों की उदासीनता, यानी कि जब व्यक्तियों के राज्य में रहने वाले व्यक्तियों को ये लग जाता है कि हमारा कोई से नहीं हो सकता, हम किससे जाके गुहार लगाएं, किससे कहें बातें, हम किससे कहें, तो वहाँ पर नागरिकों के बीच में उदासीनता उत्पन्न हो जाते हैं। कहने का मतलब जब एकात्मक शासन क्या करते हैं, जनता के अधिकार को उदासीन बनाने भाव रखने के लगते हैं, क्योंकि वह सदैव ही स्थानीय समस्याओं के अधिक रुचि लेती हैं। ठीक है, सदैव ही स्थानीय समस्याओं में अधिक रुचि लेती हैं। एकात्मक सरकार समस्त जनता के सार्वजनिक कार्य में हाथ बटाने का अवसर नहीं देती है। ठीक है, अगला क्या है, खत्म। ब्यूरोक्रेसी प्रॉब्लम यानी नौकरशाही को प्रोत्साहन। ठीक, नौकरशाही को प्रोत्साहन मतलब जब केंद्र में एक ही सत्ता होगी जिसके पास ज्यादा होगी तो उसमें काम करने वाले अधिकारी जो होंगे उनके भी हाथ में वो जैसा चलाएंगे चाहेंगे वैसे ही राज्य को चलाएंगे, जैसा चाहेंगे वो तानाशाही करेंगे, जो भी चाहे करेंगे जैसा भी चाहें वैसा वो कर सकते हैं। ये तमाम चीजें हुई यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। आप फिर अगला हम टॉपिक करते हैं चर्चा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, जहां पर संघात्मक शासन होता है, यानी कि संघात्मक शासन। जिस देश में जो राज्य जो देश विभिन्न एक केंद्र में सत्ता होती है और राज्यों में कई राज्यों में भी सत्ताओं का बंटवारा होता है वहां पर संघात्मक शासन पाया जाता है। संघात्मक शासन का समझने का मतलब यह होता है कि जैसे एक अब भारत को देखिए, भारत क्या है, एक संघात्मक राज्य है। क्यों है, क्योंकि भारत में बहुत सारे राज्य पाए जाते हैं, बहुत सारे राज्यों के पास बहुत सारी शक्तियां पाई जाती है। एकात्मक सरकार में राज्य का अस्तित्व ही नहीं होता है, लेकिन संघात्मक सरकार में क्या होता है, राज्य का अस्तित्व होता है, उनको शक्तियां दी जाती है, अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र होते हैं, काफी हद तक अपनी न्यायपालिका भी स्थापित करते हैं, राज्यों के लिए न्यायपालिका भी दी जाती है, लोअर बॉडीज भी दी जाती है। यानी जो जो चीज आप कमियों उसमें थी यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये चीजों को दूर करने के लिए संघात्मक सरकार का समर्थ सरकार की व्यवस्था की गई है। ठीक है, संघात्मक सरकार को हमने समझा क्या क्या चीजें इसमें हो सकती हैं। ठीक है, अब हम कल इसके बारे में इसकी मीनिंग और डेफिनेशन को समझेंगे। ठीक, और फिर इसके हम मेरिट डिमेरिट को समझ के इसे कम्प्लीट करेंगे। ठीक है, संघात्मक सरकार क्या समझिए, इसमें एक जैसे ये समझिए क्या है, ये केंद्र हो गया, बहुत सारे राज्य हैं, ये केंद्र हो गया, सेंटर ये राज्य हो गए, यहाँ पर संघात्मक का निर्माण किया है, इसे ही संघात्मक सरकार कहते हैं। अगली की चर्चा आगे की चर्चा